morning everyone. How are you all students? I hope you all are wonderful. Students, today I am going to begin my class with an activity. Later on, after demonstrating that activity, I will tell you what I want to say. What is the motto of showing that activity? Okay students, so let's begin with the activity first. See, to perform this activity, what I required? I required two bottles. This bottle is having colorful water. I dissolve ink in this water, okay? And this bottle is filled with this colored water, okay? Now I have this empty bottle. This is a piece of pipe, okay, rubber pipe. See, now what is going to be happen? See, I am going to fit this pipe in this filled bottle, and now I am keeping this bottle below the surface of this bottle. See, this bottle is in my hand and it is lying here. Okay, now one bottle is on the surface, means at some height, and this bottle is at the lower surface. Okay, now I am going to suck this water, okay, through this pipe. See, see what is happening. This whole water is transferred in this bottle. See, dekha aapne sara pani kahan aa gaya beta, is bottle se is bottle mein aa gaya. Now I am going to explain this. So students, what is your feelings? Do you understand anything what your teacher want to say? Let me tell you. See students, today, yesterday I left one question, that is hot question number 3, which is based on a topic, that is siphon. Now I am going to tell you what is siphon. Okay, later on I will show it to you in the diagram also. First of all, what I have shown to you in that activity, I am telling you. See students, kya tha, do bottles thi, aapne dekha, jo bottle upar thi aur jo bottle niche thi, सारा बॉटल जो था वो ऊपर वाली बॉटल से नीचे वाली बॉटल में ट्रांसफर हो गया था, देखा था आपने. यस yes. बेटा, उसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले जो रोल प्ले किया था वो किया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने. ओके, आपने देखा होगा, मैंने सबसे पहले आपको वाटर को सक करके दिखाया था. सक किया तो बेटा, जिस जगह पे मैंने उस वाटर को सक किया, उस जगह पर मैंने एयर जितनी भी पाइप में थी वो निकाल ली. ठीक है, अब क्या था कि वाटर पर के ऊपर वाटर जो था, बॉटल में जो वाटर था उसके सरफेस पर भी कोई प्रेशर था जो उसे पाइप के अंदर थ्रो कर रहा था. ओके, तो उसकी वजह से पाइप जो था वो उसके अंदर आ गया. दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर दैट यू पीपल आर आई थिंक यू नो वेरी वेल. ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद बेटा, ग्रेविटेशनल पुल के थ्रू वो प्रेशर कंटिन्यूअसली पानी को नीचे ले रहा था. दिस इज अ फेनोमेना, आप लोग भी कर सकते हैं इजीली. आपको पता है ये एक्टिविटी कहाँ की जाती है, कहाँ के लिए यूजफुल है, कहाँ हम इसे अप्लाई करते हैं? जैसे कि आपके स्कूल का स्विमिंग पूल है, देखा है आपने. अगर मान लीजिए आपको आपके स्विमिंग पूल को पूरा खाली करना है, ठीक है, आपने देखा है स्विमिंग पूल ग्राउंड से ऊपर है, ऊंचा है ना बेटा. तो बेटा, अगर हमें उसे खाली करना है तो हमें क्या करना होगा? आपको पता है, हाँ, नेचुरली उसे खाली करने के लिए हमें थोड़ा थिक पाइप चाहिए होगा, मोटा पाइप चाहिए होगा, और हम उसे अपने मुंह से सक नहीं कर सकते क्योंकि हमें उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, है ना.
तो बेटा उस सिचुएशन में हमें छोटा सा पंप लगाकर पानी में सक करेंगे, ठीक है, और फिर उस पाइप को आपके ग्राउंड में छोड़ देंगे, ठीक है, फुटबॉल ग्राउंड में, ठीक है। तो क्या होगा आपको पता है, थोड़ी देर के बाद सारा पानी स्विमिंग पूल से खाली हो जाएगा और ग्राउंड में आ जाएगा, बिकॉज द ग्रेविटेशनल पुल इस क्या करेगा, सारे पानी को स्विमिंग पूल से खींच कर आपके फुटबॉल ग्राउंड में ट्रांसफर कर देगा, भेज देगा। और इस तरह से हम किसी भी बड़ी जगह से कोई भी लिक्विड को ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको पता है पहले इरिगेशन का ये एक मेथड था जो फार्मर्स यूज करते थे, आज भी कॉटन फील्ड्स में ये मतलब जो प्रोसीजर है वो यूज होता है, आज भी कहीं कहीं होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी जगह हम कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ बहुत कॉमन है इसे यूज करना, आपको पता है बेटा, लैबोरेटरीज में बड़े बड़े टैंक्स में जो है वो केमिकल्स आते हैं, और बड़े बड़े टैंक्स में आते हैं, तो अगर हम उन्हें अपने हाथ से खाली करेंगे, या कोई ऑयल का कंटेनर है, बहुत बड़ा कंटेनर है, ठीक है, मान लीजिए 50 kg ऑयल जो है वो किसी एक बड़े से कंटेनर में रखा हुआ है, अब आपको उसमें से जो है वो सिर्फ 2 liters निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इतना भारी कंटेनर जो है वो उठाओगे, फिर 2 liters लौटोगे, तो डेफिनेटली गिरने के चांसेस है बेटा। उसके लिए हम क्या करते हैं, सक्शन प्रेशर यूज करते हैं, सेम इसी तरह का एक पाइप लेंगे, सक करेंगे, और उस कंटेनर के छोटा सा, जाहिर होगा 2 liters का कंटेनर छोटा होगा, छोटा सा नीचे रखा होगा, उसमें जो है वो जब 2 liters आ जाएगा, भर जाएगा वो कंटेनर छोटा सा, तो हम पाइप को हटा देंगे, ठीक है, और हमारा जो ऑयल होगा या कोई भी लिक्विड होगा वो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। गेटिंग इट? नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर एक्टिविटी, ठीक है, इस एक्टिविटी को देखने के बाद आपको पता चलेगा वन मोर कॉन्सेप्ट, ओके, सो लेट्स सी। नाउ अगेन दिस वॉटर इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम दिस बॉटल टू, सी क्लियरली, सी वॉटर लेवल इज डिक्रीजिंग, इजंट इट, डिक्रीज हो रहा है बेटा, हो रहा है, सी होल वॉटर इज डिक्रीज्ड, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू डिप बोथ द साइड्स ऑफ द पाइप इन द बॉटल एंड आई एम गोइंग टू मेक द सरफेस सेम, सी नाउ वॉट विल हैपन, सी द लेवल ऑफ द वॉटर इज अबाउट टू इक्वल, सी दिख रहा है आपको बेटा, समझ में आ रही है ये चीज, देखा बेटा आपने, यस। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट आर यू गेटिंग इट फ्रॉम, इससे क्या लगा, जब सरफेस इक्वल हो गया तो लिक्विड के ऊपर बिल्कुल इक्वल अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होने लगी, जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो दोनों बॉटल्स में बिल्कुल इक्वल हो गया, हो गया था ना बेटा, देखा था आपने, अच्छा लगा, ओके। नाउ टुडे वी विल डू व्हाट, वी विल डू द रिटन पार्ट, दैट क्वेश्चन एंड सम इनटेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, ओके स्टूडेंट्स, ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड साइफन, सो लेट्स गो टुवर्ड्स इट। स्टूडेंट्स, दिस डायग्राम इज शोइंग हाउ साइफन वर्क, सी स्टूडेंट्स, दिस grey sign is showing that this bottle is lying upwards and this bottle is at the lower side, okay, now how it works, see yahan se is pipe se jo hai wo humne suck kiya water, okay, water suck kiya and water jo hai wo transfer hone laga dusre beaker mein, dusre jar mein, okay, jo niche hai, lower side par hai। तो ऐसा क्यों हुआ बेटा, साइफन वर्क बिकॉज ऑफ ग्रेविटी पुलिंग डाउन ऑन द टॉलर कॉलम, यहां से देखिए हमने सक किया था, इधर से हमने सक किया, फिर यहां पर जो है वो प्रेशर सबसे रिड्यूस हो गया और ग्रेविटी ने क्या किया, इसे नीचे की तरफ खींचने लगी, है ना, टॉलर कॉलम ऑफ लिक्विड लीव्स Reduced pressure at the top of the siphon. यहाँ पे प्रेशर सबसे कम था इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में,
ठीक है ना, इस बॉक्स में, ये जो एक रेड बॉक्स शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, और अपने आप सारा लिक्विड जो है वो नीचे सेकंड बीकर में, सेकंड जार में ट्रांसफर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो साइफन रिलाइज अपॉन ग्रेविटी एंड डिफरेंशियल प्रेशर। प्रेशर एक तरफ आपने लगा दिया, दूसरी तरफ से लगता रहा और फिर उसके बाद जो है वो सारा पानी ग्रेविटेशनल पुल के थ्रू जो हुआ वो सेकंड साइड में ट्रांसफर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज हॉट क्वेश्चन नंबर 3 विच यू हैव टू डू इन योर नोटबुक विच इज बेस्ड ऑन दिस फिनोमेना। अ साइफन इज द डिवाइस विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ फ्लूइड फ्रॉम वन रिजर्वियर टू द अनदर एट द लोअर लेवल इवन दो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी इज अपहिल। इवन, जब एक पार्ट जो है वो ऊपर है, अपहिल मतलब ऊपर के साइड है। एक्सप्लेन हाउ। नाउ राइट डाउन दिस आंसर। व्हेन लिक्विड इज सग थ्रू द ट्यूब ओवर द हम्प एंड बिगिंस टू एम्प्टी इनटू द अदर कंटेनर। लिक्विड को क्या किया बेटा, सक किया। ओवर द हम्प मीन्स वो जो पाइप है उसे यहाँ पर हम कह रहे हैं, उसके थ्रू जो है वो सक किया। एंड बिगिंस टू एम्प्टी इनटू द अदर कंटेनर। अ डिक्रीज इन एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉज्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्यूब। जहां पर हमने सक किया था उस जगह पर एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हुआ। वेयर इट यहाँ से जो है वो पास हुआ। दिस डिक्रीज रिजल्ट इन द एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड पुशिंग लिक्विड अप इनटू द ट्यूब टूवर्ड्स द एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड ट्यूब, वेल मैंने आपको पाइप दिखाया था बट मैं यहाँ पर ट्यूब यूज कर रही हूँ बेटा, क्योंकि आपके बुक में जो साइफन का डायग्राम बनाया हुआ है उसमें उन्होंने ट्यूब वर्ड जो है वो, इवन उन्होंने साइफन एक्टिविटी ट्यूब की हेल्प से शो की है, बट मेरे पास ट्यूब अवेलेबल नहीं थी बेटा, इसलिए मैंने पाइप को यूज किया। ओके, नाउ दिस इज एन इंटेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। व्हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस व्हेन वी गो हायर अप अबव द अर्थ सरफेस। क्यों बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है जब हम किसी हिली एरिया में होते हैं या अर्थ से ऊपर होते हैं, इवन हम प्लेन में होते हैं। आपको पता है बेटा बहुत सारे लोगों को प्लेन में जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें सफोकेशन होता है, अस्थमा हो जाता है, सांस आने में दिक्कत होती है, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, सुनाई नहीं देता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दे फील। सिमिलरली बेटा हिली एरियाज में क्या होता है बेटा, हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, अस्थमा प्रॉब्लम्स होती हैं, सांस नहीं आती है, यहाँ तक कि नोज ब्लीडिंग भी होती है बेटा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने भी एयर में गैसेस प्रेजेंट हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो अर्थ के सरफेस के करीब रहते हैं, क्योंकि अर्थ के पास एक ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से वो एयर के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचते रहती है। तो जब हम उस जो एरिया है, जो डेंसी मॉलिक्यूलर एरिया है, उससे ऊपर उठ जाते हैं, यानी कि किसी हेली एरिया में चले जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है बेटा, हमें डिफरेंट गैसेस, यहाँ तक कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब चीजों के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। आर यू गेटिंग इट बेटा? यस, सो राइट डाउन दिस आंसर इन योर नोटबुक। सिंस मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर्स मॉलिक्यूल आर हेल्ड क्लोज टू द अर्थ सरफेस बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एयर प्रेशर डिक्रीजेस एज वी गो हायर अप अबव द अर्थ सरफेस। ओके स्टूडेंट, समझ में आया बेटा? नाउ स्टूडेंट्स, वन मोर क्वेश्चन, इट इज अवेलेबल इन योर बुक इन द रोल प्ले कॉलम। वॉट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन द फॉलोइंग केसेस, कैन यू इनेक्ट एंड एक्सप्रेस? यस बेटा, आपको ये बताना है कि इन सारे जो केसेस, जो बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनमें जो इफेक्ट है फोर्स का, क्या इफेक्ट हुआ है। ए फुटबॉल कैप्ड ऑन द ग्राउंड एंड किक्ड। बेटा एक फुटबॉल ग्राउंड पे रखी हुई थी, उसे आपने किक किया, तो बेटा क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन हुआ। भाई स्टेशनरी थी, रुकी हुई थी, और उसे क्या हुआ, आपने एक स्पीड दे दी, मोशन में कर दिया, है ना, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन।
ब्रेक्स आर अप्लाइड इन द साइकिलिस्ट. बेटा एक साइकिलिस्ट जो है, आप जो है वो साइकिल चला रहे हो, बार बार ब्रेकर्स आएंगे तो क्या होगा, आपकी स्पीड में डिफरेंस आएगा बेटा, आएगा या नहीं आएगा, स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना बेटा. तो इसमें इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हुआ, चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है, चेंज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द साइकिल. द बैट्समैन हिट्स ए सिक्स. बेटा एक बॉल आ रही थी, उसे और भी ज्यादा स्पीड प्रोवाइड कर दी ना, अगेन चेंज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, बट यहां पर इंक्रीज हुई है और वहां पर डिक्रीज हुई थी इससे पहले वाले पॉइंट में, साइकिल वाले में. पॉटर मोल्ड क्ले इनटू ए वास. बेटा शेप चेंज हो गई, चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके. दीज ऑल आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा बेटा, एंड यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन बाय योर ओन इन योर नोटबुक. आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट्स. नो नीड टू आस्क मी अगेन एंड अगेन कि हमें तो समझ नहीं आया. इफ यू वोंट अंडरस्टैंड, लिसन द वीडियो अगेन, ओके, बट यू हैव टू राइट दिस आंसर बाय योर ओन, ओके. अगर स्टिल प्रॉब्लम आती है और आप लोगों ने मुझे बोला, मैं नेक्स्ट क्लास में आंसर प्रोवाइड कर दूंगी, ओके स्टूडेंट्स. बाय द टाइम एंजॉय योर डे एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द ओरल, ओके स्टूडेंट्स. एंड यस, वन मोर थिंग, यू पीपल हैव गॉट योर डेट सिलेबस, है ना, सिलेबस मिल गया है ना आपको, अपकमिंग एग्जाम्स का मिल गया है ना बेटा. तो प्लीज प्रिपेयर योर सेल्फ प्रॉपरली. दोज हु आर नॉट मेकिंग द नोट्स प्रॉपरली, नॉट डूइंग रिटन वर्क, प्लीज कंप्लीट योर रिटन वर्क, आस्क टू मी, आई विल प्रोवाइड इट टू यू, ओके स्टूडेंट्स. थैंक यू एवरीवन.